प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बीते दिन सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष जहां उनके बयान की निंदा कर रहा है, वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उनके समर्थन में आ गए हैं। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली है और कहा है कि उन्हें खुद पर शर्म आ रही है, वहीं पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के अवधारणा को समझने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की बातें कही है जो कहीं से गलत नहीं है। नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पेपर और अखबार वालों को कोई काम नहीं है, यह लोग हर बात में केवल राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार के कहने का मतलब गलत नहीं था, उनके कहने का कॉन्सेप्ट अलग था। पप्पू यादव ने कहा कि उनके कहने का मतलब था कि जनसंख्या कंट्रोल हम शिक्षा और जागरूकता से ही कर सकते हैं, शिक्षा के साथ जागरूकता की जरूरत है। विधान मंडल में नीतीश कुमार ने कई अच्छे बातें भी कही, लेकिन उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है। वहीं नीतीश कुमार ने शादीशुदा पति पत्नी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट की बात की तो उसको आप इंटेंशनली दूसरे तरीके से लेकर जा रहे हैं। ऐसे में पहले हम आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा जिस पर बवाल मचा हुआ है, सुनिए। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे ना करता है, तो रतवा में सुत्ता है तो सुत्ता है तो सुत्ता है तो उसी में रहता है पनिया भी इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। सुना आपने, नीतीश अपने इस बयान पर माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है और वो विपक्ष के निशाने पर हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने उनके बयान को समर्थन करते हुए कहा, बीजेपी वाले इन बातों को लेकर हाई तौबा मचा रहे हैं, नेता लोग पोर्न नहीं देखते हैं, बंद करिए ना पोर्न, नाटक कर रहा लोग, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लीजिए, पूछिए कि पत्नी कहाँ है, महिला मेरे लिए सम्मानित है, महिलाओं को लेकर हम कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन महिलाओं को केवल मुंह से इज्जत मत दीजिए, सच में इज्जत दीजिए, भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज प्रथा, सती प्रथा बंद कराए। उन्होंने नीतीश के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि सीएम ने उसकी मानसिकता की बात की, आप पढ़िएगा तो खुद अवेयर हो जाइएगा, लड़कियां शिक्षा से खुद को जागरूक हो जाती है, आपको कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, दवाई या कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। आप दलितों को ही देखें, कितने बच्चे हैं, जब एजुकेशन नहीं है तो यह सब मुश्किलें आती है। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय भारत।